हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ाया और फिर मैंने आपको थोड़ा सा ज्ञान भी बांटा कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कौन कौन सी बॉडीज़ हैं इंडिया में, जिसमें हमने पढ़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमने पढ़ा पब्लिक सेक्टर और हमने पढ़ा इंडस्ट्रीज फैसिलिटीज़ और मैंने आपको पढ़ाया एडेड इंस्टीट्यूट। यानी कि इनको हमने सिर्फ हल्की हल्की इंट्रोडक्शन इनके बारे में हमने पढ़ी और फर्दर बात करते हैं। यहाँ मैंने आपको बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में बताया और मैंने आपको होमी जहांगीर बाबा का ज्ञान बताया, फिर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ये बताया और अब मैं आपको ये बताऊँ, आपने बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक तो रिएक्टर्स का नाम याद रखना है। एक बार अगर कल वाली नोट्स आपने बनाए हैं तो एक बार ज़रा देख लो, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रिएक्टर्स का मैंने आपको नाम लिखाया हुआ है जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था। इसका पहला रिएक्टर है अप्सरा, पहले रिएक्टर का नाम है अप्सरा, कल मैंने आपको ये बताया था, एक बार वहाँ पर देख लो। अब आपको सिर्फ याद करना है इनका हेडक्वार्टर। एक बार मैं वही कल वाली बात ही रिकॉल करवा देता हूं, आपको याद करना है इनका हेडक्वार्टर। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर मुंबई में है, IGCAR का हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है, RRCAT के राजा रामानिया सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर इंदौर में है, VECC का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और AMD का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, GNCEP का हेडक्वार्टर हरियाणा में है। ये सब मैंने आपको पिछले एपिसोड में पढ़ाए। फिर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है, IREL, इनकी मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताई थी शायद, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, IREL इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, UCIL यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सिंहभूम झारखंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, जादू घोड़ा भी यहाँ आता है। फिर उसके बाद ECIL इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ये सब आपको याद रखने हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे फर्दर ले चलता हूँ इसी डिस्कशन को। ये मैंने आपको कल सब पढ़ा दिया है, ये देख लो, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के हेडक्वार्टर, ये अप्सरा जो है ये इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला रिएक्टर है। फिर उसके बाद साइरस है, यहाँ पे जर्लीना है, ध्रुवा है, पूर्णिमा फर्स्ट है, पूर्णिमा सेकंड है, पूर्णिमा थर्ड है, ये सब रिएक्टर्स हैं बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों, ये मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ, आप कल वाला एपिसोड एक बार देखिए, अपनी नोटबुक को रिकॉल कीजिए, ये सब पढ़ा दिया है। अब थोड़ी आगे डिस्कशन ले जाते हैं। यहाँ पे देखो, इंडिया के अंदर टोटली 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट वो हैं जो एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो प्रेजेंटली काम कर रहे हैं वो कितने हैं, तो ये आपने नाम याद रखना है, 7 हैं। 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो काम कर रहे हैं, इनका नाम आपने याद रखना है। नंबर 1 नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट, मैंने आपको बताया था कहां पे है, ये यूपी में। दूसरे नंबर पे राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, ये तो राजस्थान में है। उसके बाद काकड़ा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट जो गुजरात में है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, मद्रास न्यूक्लियर पावर प्लांट और कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये वो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं इंडिया में जो एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं, जो फंक्शनल हैं। इतना पता चल गया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये बातें पता चल चुकी हैं। अब हल्की सी डिस्कशन आगे ले चलते हैं। पहले इसको मैप को अपनी नोटबुक पर बनाइए, 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो काम कर रहे हैं, अब हम इस पर थोड़ा सारा काम भी करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन है कि वेयर इज न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ राजस्थान लोकेटेड, कहता है कि राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे है, तो क्या ये निम्बाहरा में है, रावतबाटा में है और बाटेवर में है, सूरतगढ़ में है, ये अलग अलग जगहों के नाम हैं।
तो प्यारे बच्चों राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट आता है रावतबाटा। क्या है डिस्ट्रिक्ट का नाम? रावतबाटा। तो रावतबाटा में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसी को बोलते हैं रावतबाटा एटॉमिक पावर प्लांट। क्या बोलते हैं? यह है रावतबाटा एटॉमिक पावर प्लांट। अब इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान भी बांटते हैं। देखो रावतबाटा क्या है? रावतबाटा एक सिटी है। रावतबाटा क्या है? रावतबाटा एक सिटी है जो कि राजस्थान में है। और मैं आपको बताऊं इस एरिया में ढेर सारे न्यूक्लियर छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और यहां पे राणा प्रताप सागर डैम भी है। अब राणा प्रताप सागर डैम जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, ये पानी पे बना हुआ डैम है। तो एक बात याद रखिएगा, जो डैम है इसमें हमें रिवर भी याद रखने होते हैं। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी या आपने पढ़ा भी होगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर। गंगा की ट्रिब्यूटरी क्या है? चंबल। जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन क्लास में पढ़े हैं मैंने उनको पढ़ाया है, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चंबल। फिर चंबल की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना। और फिर यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो प्यारे बच्चों चंबल रिवर पे तीन बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट हैं। नंबर वन राणा प्रताप सागर डैम, और इसके अलावा इंदिरा गांधी, इसका अलावा एक दूसरा एक तो राणा प्रताप सागर डैम और एक है गांधी सागर डैम। यहां पे तो नहीं लिखा है, मैं से बता देता हूं आपको, एक दूसरे नंबर पे है गांधी सागर डैम, लिख लेता हूं, दूसरे नंबर पे है गांधी सागर डैम। थोड़ा ये पेन चल रहा खराब, गांधी सागर डैम। और एक तीसरे नंबर पे है कोटा बैरेज। तीसरे नंबर पे एक और है कोटा बैरेज। तो ये तीन डैम हैं जो कहां पे हैं? राजस्थान में चंबल रिवर पे। ठीक है, तो राजस्थान में चंबल रिवर पे तीन डैम हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट कहां पे? रावतबाटा राजस्थान में। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, यानी कि इनमें से कौन सा प्लांट है जिसकी इनिशियल कीमत इंडिया में या कहीं पर भी बहुत ज्यादा होती है और उसका जो फ्यूल रिक्वायरमेंट है उससे वो जो है यानी कि कम है। इसका मतलब यह है कि इनपुट ज्यादा है और आउटपुट जरा कम है इनिशियली में, तो बताओ कौन सा है? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं गैस पावर प्लांट में भी इतना खर्चा नहीं होता है, स्टीम पावर प्लांट में भी इतना खर्चा नहीं होता है, डीजल पावर प्लांट में क्या नहीं खर्चा होता, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इतना खर्चा होता। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर एस्टेब्लिश किया जाता है, फिर आपने नाम सुना होगा इसमें फ्यूल डाला जाता है यूरेनियम प्रोटोनियम, उनकी रिएक्शन की जाती है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट और बहुत महंगा प्रोसेस है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को इनिशियल सेटअप जो है ये बहुत हैवी होता है, बड़ा महंगा होता है। और ये जो बातें मैंने आपको बोली यहां पे लिखी हुई है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में काफी महंगा होता है सेटअप वगैरह, ये आपको प्रैक्टिस के लिए। आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एटॉमिक फ्यूल, बताओ इनमें से कौन सा एटॉमिक फ्यूल नहीं है? तो मैं आपको बात बताऊं प्यारे बच्चों, जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर में प्लूटोनियम भी यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम भी यूज होता है और न्यूक्लियर रिएक्टर में थोरियम भी यूज होता है। ये पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटॉमिक फ्यूल, तो ये भी एटॉमिक फ्यूल है, यूरेनियम भी एटॉमिक फ्यूल है, थोरियम भी एटॉमिक फ्यूल है, कैडमियम कोई एटॉमिक फ्यूल नहीं है। क्या कैडमियम कोई भी एटॉमिक फ्यूल नहीं है? अब कैडमियम क्या होता है? तो बच्चे लोगों कैडमियम एक सॉफ्ट सिल्वर व्हाइट मेटल है, इट इज नॉट यूज्ड एज फ्यूल। तो फिर कैडमियम क्या होता है? कैडमियम इज कॉमन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बैटरीज, पिगमेंट कोटिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन जगहों में यूज होता है। अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जब किसी मेटल की सरफेस को हम रस्टिंग से बचाते हैं, उसमें प्लेटिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। अब सिर्फ यह बात आपको याद रखनी है कि कैडमियम इज यूज्ड इन द कंट्रोल रॉड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिंग एज हैवी इफेक्टिव न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। जरा सुनिए मेरी बात सुनिए, देखो जब हम क्या करते हैं,
न्यूट्रॉन को यानी कि किसी भी यूरेनियम या प्लूटोनियम को, ये हो गया यूरेनियम, यूरेनियम को न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्डमेंट की जाती है तो ये टूटता है दो हिस्सों में, एक बनता है बेरियम एक बनता है क्रिप्टॉन, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया हुआ है, ठीक है। तो ढेर सारी एनर्जी निकलती है, अगर ये एनर्जी हम कंट्रोल ना करें तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए हम कैडमियम रॉड को बीच में डालते हैं, कैडमियम रॉड क्या करती है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है, देखो एक्टिंग एज वेरी इफेक्टिव न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर टू कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन। ये क्या करती है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है जिससे न्यूक्लियर एनर्जी क्या हो जाए रुक जाती है। तो कैडमियम एक ऐसा मेटल है जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। उसके बाद अगला सवाल देखिए, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे है? तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। तो ये पूछ रहा है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज क्या है, क्या उसके अंदर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, क्या उसके अंदर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, क्या उसके अंदर सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर है, क्या उसके अंदर रैपिड ब्रीडर रिएक्टर है। अब पहले मैं एक बात बताता हूं, देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रिएक्टर होता है, जिस तरह गाड़ी के अंदर होता है इंजन, गाड़ी के अंदर क्या होता है इंजन, इंजन नहीं चलेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, उसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रिएक्टर होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब जो रिएक्टर है ये प्रेशराइज्ड पानी से चलता है और ये सोडियम से चलता है, अलग अलग इसके अलग अलग तरीके हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का सबसे पुराना, उसमें क्या यूज होता है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, यानी कि दूसरे नंबर वाला बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यूज होता है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में। पता चल गया आपको, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या यूज होता है, बॉइलिंग रिएक्टर, क्या यूज होता, बॉइलिंग रिएक्टर। आगे चलते हैं, जो मैंने बातें बोली वहां पर लिखी हुई है तो ये आप पढ़ लेना। उसके बाद देखो, विच इज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, क्या तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, क्या नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, क्या राणा प्रताप सागर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, क्या कालभक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इंडिया का सबसे पुराना तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कौन सा, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये लिखा है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट पहला कमर्शियल एटॉमिक पावर प्लांट है इंडिया का 1969 में। और उसके बाद ये कितने एग्रीमेंट हुए ये पढ़ने की लोड़ नहीं है, बस याद रखना है सबसे पहला कौन था, तारापुर। उसके बाद देखो, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज सेट अप इन इंडिया एट, गौर से सुनना, ये कहता पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहां पे था। तो मैंने आपको पढ़ाया था बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पे है, ये बॉम्बे में। तो बॉम्बे में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बना था ना, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अभी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, तो इसमें आप, मैंने आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स के नाम भी सुनाए थे, मैंने आपको पढ़ाया था अप्सरा और दुर्निमा, अलग अलग नाम सुनाए थे ना। तो अप्सरा सिर्फ इंडिया का ही नहीं, अप्सरा एशिया का पहला न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा, मैंने आपको पढ़ाया था, जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम रखा, जरा पेज पीछे करके देखो। तो ये कहां पे था, बॉम्बे में था, कहां पे है ये, बॉम्बे में, याद रखना। अब एक बार आप यहां से कंफ्यूज हो सकते हैं, ये पूछ रहा है फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, अगर यहां पे पूछा होता फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट तब हम तारापुर को करते, ये पूछ रहा है पहला न्यूक्लियर रिएक्टर तो आंसर होगा बॉम्बे में, और जिसका नाम है अप्सरा, ठीक है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ये देखो यहां पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है पहला न्यूक्लियर रिएक्टर तो ये कौन सा है, ये अप्सरा है, और अप्सरा कहां पे है, ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर है, और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पे है, तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे में है, ये आपको पता है। फिर उसके बाद आगे देखो, इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन मॉडरेटर, मॉडरेटर का मतलब होता है कि कोई रिएक्शन को मॉडरेट कर देता है, यानी कि रिएक्शन के रेट को कम कर देता है। जैसे देखो, मान लो न्यूट्रॉन निकलते जा रहे, निकलते 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 इतने निकल रहे कि जरूरत से ज्यादा, मॉडरेटर का मतलब होता है मॉडरेट हो गए, जितनी जरूरत है उतना ही। तो किसको यूज किया जाता है मॉडरेटर, मॉडरेटर यूज किया जाता है इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन, मॉडरेटर इज यूज टू, क्यों यूज किया जाता है,
टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या किया जाता है, कम। अगर न्यूट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी, जिससे कंट्रोल नहीं की जा सकती और अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन बड़ी खतरनाक होती है। पता चल गया। आगे देखो, काकड़ापार एटॉमिक एनर्जी स्टेशन इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, बताओ काकड़ापार कहां पे है। तो आपको मैंने पढ़ाया था काकड़ापार न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात में है। इसके अलावा गुजरात में एक और है मीठी वृद्धि, गुजरात में एक और है मीठी वृद्धि। गुजरात में एक तो काकड़ापार है और एक है मीठी वृद्धि, ठीक है, दो याद करने आपने। उसके ये है गुजरात में, लिख दिया आपका। उसके बाद व्हाट इज द रैंक ऑफ न्यूक्लियर पावर इन टर्म ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। अगर हम बात करें बिजली बनाने की, तो इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्शन से बिजली बनती है वो इंडिया कितने नंबर पे है। तो इंडिया कितने नंबर पे है अगर हम बात करें, यानी कि इंडिया की जो न्यूक्लियर एनर्जी बनती है वो में बात करें, तो इंडिया पांचवें नंबर पे है इन टर्म ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्मेशन, या इन टर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में पांचवें नंबर पे है। और मैं आपको बताऊं, आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा एनर्जी कोल से की जाती है। कोल से कितनी, यानी कि 60-65% एनर्जी रिसोर्स जो है इंडिया का, ये कोयले पे डिपेंड करता है। इंडिया का 65% जो एनर्जी सोर्स है वो कोयले पे डिपेंड करता है। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, इनमें सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है। बड़ी बार पेपर में आया है, आपको याद रखना है, तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। क्या तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन सबसे पुराना है। उसके बाद आगे देखें, एटॉमिक एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन एट ट्रॉम्बे, एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट जो ट्रॉम्बे में है, मैंने आपको लिखाया था एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ट्रॉम्बे में कब बना है, तो इसके बारे में ज्ञान मैंने आपको बांट दिया हुआ है। बताओ एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ट्रॉम्बे वाला कब बना है, कब बना, 1954। फिर मैंने आपको बताया था कि 1966 में जब होमी जहांगीर बाबा की होती डेथ, इसका नाम रखा जाता बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। पता चल गया। अब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, मैंने आपको पढ़ाया था NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कब बना। जल्दी से दिमाग पे जोर डालो और बताओ मुझे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब बना। यही बता देता हूं, 1987 में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन बना था, मगर किस एक्ट के अंदर, अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है, किसके एक्ट के अंदर, अंडर कंपनीज एक्ट 1956। और ये जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इंडिया के न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल करता था भवानी बनने से पहले, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको तो पता ही है कि हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो ज़्यादा ऑफलाइन कोचिंग को डील करता है, मगर फिर भी मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आप इसमें हौसला अफजाई कीजिए। कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, ये हमारा नंबर है 7006845597। YouTube पे भी फॉलो कीजिए, Instagram पे भी फॉलो कीजिए, तो धीरे धीरे आपके लिए बेहतरीन चीज़ें लाई जाएंगी। प्यारे बच्चों, बस आपका साथ रहना चाहिए। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।